नमस्कार मित्रों, आज की हम हमारी जो क्लास है उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं पर्वतों का वर्गीकरण। इससे पहले वाली जो क्लास है उसमें हमने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ऊंचाई के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण। आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण, ऊंचाई के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण। ठीक है, कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमारा विषय था उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण, और आज किसके आधार पर? ऊंचाई के आधार पर। तो ऊंचाई के आधार पर सबसे देखें अधिक ऊंचे पर्वत, जो अधिक ऊंचे, सबसे अधिक ऊंचे जो पर्वत होते हैं उनको अधिक ऊंचे पर्वत, अधिक ऊंचे पर्वत। ये जो ऊंचाई का वर्गीकरण है फिंच महोदय के अनुसार है। इसके अनुसार है फिंच महोदय के अनुसार, फिंच महोदय ने ऊंचाई के आधार पर पर्वतों का चार प्रकार बताए। पहला है 6000 से 2000 मीटर, जो सबसे अधिक ऊंचे पर्वत होते हैं उनकी ऊंचाई 2 से 6000 मीटर ऊंचाई बताइए। दूसरे नंबर पाते हैं साधारण ऊंचाई वाले पर्वत, साधारण ऊंचाई वाले पर्वत। ठीक है, ये 1500 से 2000 मीटर ऊंचाई होते हैं, 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई। ठीक है, तीसरा कम ऊंचे पर्वत, कम ऊंचे पर्वत, इनकी ऊंचाई 1000 से 1500 मीटर तक बताइए। और जो चौथा नंबर के जो पर्वत है वो होते हैं निम्न पर्वत, मतलब बिल्कुल कम ऊंचाई वाले पर्वत। निम्न पर्वत ये पर्वत सामान्य थे 1000 मीटर से कम ऊंचे होते हैं, इनकी वजह इनकी जो ऊंचाई होती है जो 1000 मीटर से कम होती है। ठीक है, ऊंचाई के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण चार प्रकार होते हैं। फिंच महोदय ने इस वर्गीकरण को प्रस्तुत किया है, और सबसे पहला आता है सबसे ऊंचे पर्वत होते हैं जिनकी ऊंचाई 2000 से 6000 मीटर से अधिक होती है। दूसरे नंबर पर साधारण ऊंचाई वाले पर्वत जिनकी ऊंचाई 1500 से 2000 मीटर की तक होती है, और तीसरे नंबर पर आता है कम ऊंचे पर्वत जिनकी ऊंचाई 1000 से 1500 मीटर होती है, और सबसे कम ऊंचे पर्वत होते हैं जिनकी ऊंचाई 1000 से कम मीटर ऊंचाई वाले पर्वत होते हैं उनको निम्न ऊंचाई वाले पर्वत कहते हैं। ठीक है, इसी को और आगे बढ़ते हुए हम अपने आयु के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण। आयु के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण,
आयु के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण। तो एक है चर्नियन पर्वत, एक नंबर पर आता है चर्नियन, दूसरे पर आता है कैलोडीनियन काल के पर्वत। अर्सिनियन अल्पाइन, अल्पाइन पर्वत। अब तक चार पर्वत निर्माण कार्य हलचले हुई हैं, ठीक है। हलचल का जो एक काल होता है लंबे समय का होता है, जिसमें एक लंबा शांत काल होता है। जैसे मान लें अब हलचल हुई तो आगे 10 करोड़ या 20 करोड़ या 5 करोड़ साल बाद फिर हलचल हुई, तो ऐसी हलचलें वर्तमान में अब तक चार हलचल हुई है। सात कारण संपीड़नात्मक बल संग्रहित है जिसके फलस्वरूप पर्वत निर्माणकारी हलचलें घटती है, मतलब संकुचन हुआ है और इन हलचलों के परिणाम स्वरूप पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो आर्कियन पर्वत, आर्कियन पर्वत की बात करें, ये सबसे पहले ही घटना है। आर्कियन काल में 40 करोड़ वर्ष पूर्व, वर्तमान से लगभग 40 करोड़ वर्ष पूर्व, करोड़ वर्ष पूर्व हलचले उत्पन्न हुई, हलचल घटना घटित हुई, जिससे में यूरोप के फेनो स्केटिवा और भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ। कब? वर्तमान से 40 करोड़ वर्ष पूर्व। ये काल था उस समय आर्कियन, उस समय धरातल पर हलचलें पैदा हुई और यूरोप इस समय यूरोप में फेनो स्केटिवा नीवा और अरावली पर्वत का निर्माण हुआ। हाँ, भारत में कब? वर्तमान से लगभग 40 करोड़ वर्ष पूर्व। इसके बाद दूसरी घटना घटित हुई, फिर हलचल पैदा हुई लगभग 8 करोड़ वर्ष बाद। कब? 8 करोड़ वर्ष बाद। इसके 8 अर्थात वर्तमान से 32 करोड़ वर्ष पूर्व फिर हलचलें पैदा हुई और पर्वत निर्माण कार्य शक्तियों का उदय हुआ, ठीक है। इस समय अमेरिका में अल्पेशियन, यूरोप में स्कॉटिश और आयरलैंड के पर्वतों निर्माण हुआ। अमेरिका में अल्पेशियन, अमेरिका में अल्पेशियन, यूरोप में स्कॉटिश अपलैंड, स्कॉटिश अपलैंड, ठीक है, और आयरलैंड के पर्वतों का निर्माण हुआ। पर्वतों का निर्माण हुआ। तीसरा जो हलचलें पैदा हुई थी वो हर्शनियन काल में हुई थी, लगभग इसके 10 करोड़ वर्ष बाद। कितने साल बाद? 10 करोड़ वर्ष बाद, अर्थात वर्तमान से 22 करोड़ वर्ष पूर्व। हर्शनियन काल में घटना घटित हुई, वर्तमान से 22 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है। इसमें अल्टाइड, वास्कन, आर्मेरिकन
अलचलों को अल्टाइड, ये जो अलचल थी इसको अल्टाइड अल्टाइड वारिस्कन वारिस्कन आर्मोरिकन आर्मोरिकन आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, इस समय ऑस्ट्रेलिया में पूर्वी कालीन यूरोप में पहले पर्वत का निर्माण हुआ, ऑस्ट्रेलिया की कार्डिलेरा कार्डिलेरा और यूरोप में पेनाइन है। पर्वत का निर्माण हुआ यूरोप में, निर्माण हुआ पेनाइन पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, चौथा है अल्पाइन, जो वर्तमान से 3 करोड़ वर्ष का जो समय था उसको अल्पाइन काल के नाम से जाना जाता है, और ये घटना 3 करोड़ वर्ष पूर्व घटित हुई, मतलब वर्तमान से लगभग इसके बीच कितना अंतर था, 19 करोड़ वर्ष का, कितने का 19 करोड़, जिसमें हिमालय कुनलून अराकान एलबुर्ज एलबुर्ज हिंदू कुश रॉकीज हिंदू कुश रॉकीज पेरिनी आदि पर्वत उल्लेखनीय है। आदि पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, आदि पर्वत 40 करोड़ वर्ष, इनके बीच में जो अंतराल था कितना था, 8 करोड़ का था, इसमें 10 करोड़ का और इसमें 9 करोड़ वर्ष का अंतराल था। वर्तमान में 4 पर्वत निर्माण का चर्चा हुई, सबसे पहले आर्कियन युग में 40 करोड़ वर्ष, दूसरी कैरोडियन में 32 करोड़ वर्ष, तीसरी हर्शियन में 22 करोड़ वर्ष और चौथी अल्पाइन में 3 करोड़ वर्ष। आर्कियन काल में यूरोप में फेनिश कुंडिया और आदि पर्वत का निर्माण हुआ, कब, आर्कियन काल में, दीर्घकालीन पर्व की बात है, वर्तमान से लगभग 40 करोड़ वर्ष पूर्व अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ, यह विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में जानी जाती है। उसके बाद कैरोलिनियन काल में वर्तमान से लगभग 32 करोड़ वर्ष पूर्व अमेरिका में अल्पेशियन और यूरोप में स्कॉटिश अपलैंड और आयरलैंड पर्वतों का निर्माण हुआ। अर्शियन काल में 32 करोड़ वर्ष पूर्व अल्टाइड वार्षिक आर्मेनियन के नाम से इसको जाना जाता है, यह हलचल पैदा हुई थी, इसको आर्मेनियन अल्टाइड और वारिस्कन नाम जाना जाता है। इससे में ऑस्ट्रेलिया के कार्डिलेरा और यूरोप के पेनाइस पर्वत का निर्माण हुआ। चौथी जो हलचल हुई थी सबसे नवीनतम पान जाना जाता है इसको अल्पाइन, 3 करोड़ वर्ष पहले की बात है। इस समय हिमालय कुनलून अराकान एलब्रुज हिंदुकश रॉकीज पेरिनीज आदि पर्वतों का निर्माण हुआ। तो ये था हमारा पर्वतों का वर्गीकरण। इसको फिर देखते हैं एक साथ पर्वत के वर्गीकरण को, ठीक है, 3 प्रकार के पर्वत के 3 मुख्य कितने, 3, एक नंबर पाता है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा आता है उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा आता है क्या, ऊंचाई के आधार पर, और तीसरा आता है
आयत के आधार। ऊंचाई के उत्पत्ति का आधार पर छह प्रकार है। पहला वलित फॉल्ट, दूसरा भूमंडलाकार, तीसरा संग्रहित, चौथा अवशिष्ट और मिश्रित। ऊंचाई के आधार पर अधिक ऊंचे, साधारण ऊंचे, कम ऊंचे। अधिक साधारण कम और चौथा आयु के आधार पर आर्किनियन कैरोडिनियन एक नंबर का है। आर्किनियन दूसरा कैरोडिनियन, तीसरा हसिनियन और अल्पाइनियन। ये 40 करोड़ वर्ष पहले, ये 32, 22 और 3, ठीक है। इसके जो पर्वत होते हैं सबको नवीनतम पर्वत मानना जानते हैं। इसमें हिमालय, हिंदू कुश, अरब हिमालय, हिंदू कुश, अरकान, ठीक है, एलब्रुज, रॉकीज आदि वर्तमाला का निर्माण हुआ इस युग में, जबकि हसिनियन काल में कार्डिलेरा और यूरोप के पेनाइन पर्वत के निर्माण हुआ। इसमें किंगन, किंगन, नानसान पर्वत और कार्डिलेरा, ठीक है। इसमें जबकि 32 करोड़ वर्ष पूर्व हसिनियन काल की कैल्डियन पर्वत में अल्पेशियन पर्वत का निर्माण हुआ अल्पेशियन का, और इसमें फेनेस कैल्डिया और अरावली पर्वत का निर्माण हुआ। तो ये था हमारा पर्वतों का वर्गीकरण। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर अगली जो क्लास होगी उसमें हम एक नए विषय पर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।